बनाने जा रहे हैं इंडियन स्टाइल मंगोलियन राइस। उसके लिए चाहिए हमें एक बोल उबले हुए चावल, जिसे हमने नमक डाल के उबाल लिया है, सारी कटी हुई मिक्स सब्जी जिसमें गाजर, बीन्स, तीनों कलर की शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी, प्याज, स्वीट कॉर्न, टमाटो सॉस, अदरक और मिर्च क्रश की हुई, लहसुन क्रश की हुई, गार्लिक चिली सॉस, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो। पहले गैस पे हम कढ़ाई चढ़ाए, उसमें 2 या 3 चम्मच तेल डाले, तेल को गर्म होने दें। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें ये अदरक और मिर्च डाल दें, ये 1 चम्मच है, इसे थोड़ा चलाएं, फिर ये लहसुन डाल दें, ये भी 1 चम्मच है, गैस को धीमा कर दें, 1 से आधा मिनट चलाएं। अब इसमें ये प्याज डाल दें, गैस को तेज कर दें, प्याज को 1 से 2 मिनट तक ऐसे भूने, हमारे प्याज हो चुके हैं। अब इसमें ये सारी सब्जियां डाल दें, इसे चला लें, सब्जियों को थोड़ा ढक दें, गैस को तेज आंच में ही रहने दें। दो मिनट बाद गैस को धीमी आंच पे करके छोड़ दें। अब ये सब्जी को उघाड़ के देख लें, हमारी सब्जी लगभग पक चुकी है, गैस को तेज आंच पे कर लें। इसमें अब ये पत्ता गोभी डाल दें, फिर चला लें, स्वीट कॉर्न भी डाल दें, अब इसमें ये टमाटो केचप डाल दें, ये हमारा 1 से 2 चम्मच है, अब इसमें ये आधी चम्मच चिली गार्लिक सॉस डालें और मिक्स करें, अब इसमें आधी चम्मच ऑरिगेनो, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दें, मिक्स कर लें, सब्जियों के हिसाब से इसमें नमक डाल दें, चावल में हमने नमक डाल रखा है, अच्छे से मिक्स कर दें। अब गैस को बंद कर दें, फिर इसमें चावल मिलाएं, अब इसमें ये चावल डाल लें। चावल उबालते टाइम हमने जब इसे छाना था तो थोड़ा कलर डाल दिया था, फूड कलर, अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गैस बंद होने से चावल टूटते नहीं है। हमारा
हमारे चावल मिक्स हो चुके हैं। आप नमक टेस्ट कर लें, इसे हल्के हाथों से चलाएं। अब गैस को ऑन कर लें एक बार। इसे थोड़ा गर्म होने तक चलाएं। हमारे चावल गर्म हो चुके हैं, अब गैस को बंद कर दें। ये रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें सर्व कर दें। हमारे चावल रेडी हैं, इन्हें आप गर्मा गर्म ऐसे ही सर्व कर दें।